वॉइस क्लियर है? ऑनलाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है द एडजॉइनिंग फिगर बी ए एंड बी सी एंड बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू मीट सी डी एंड ए डी produced in E and F, then find the value of angle AE D प्लस एंगल सी एफ डी। और जो डायग्राम गिवन है वो मैं बनाता हूं, कुछ ऐसा है। ये यहाँ 90 डिग्री गिवेन है, ये बी है, ई ए डी एफ सी। यहाँ पे ये 50 डिग्री है, चलिए। क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर बी ए एंड बी सी आर प्रोड्यूस्ड। बी ए और बी सी को प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ा रहे हैं ये बी ए, बी ए और बी सी को, मतलब इस लाइन बी ए को भी आगे बढ़ाया, बी सी को भी आगे बढ़ाया, ठीक है। टू मीट सी डी एंड ए डी, सी डी कौन सी लाइन है, इस सी डी पे मीट करने के लिए और ए डी को मीट कराया, कहां पे, ई पॉइंट पे और एफ पॉइंट पे, ठीक है, ई और एफ पॉइंट पे मीट कराया है। उसके बाद आपसे बताना, आपको बताना है एंगल ए ई डी प्लस एंगल सी एफ डी, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी यानी ये वाला एंगल, चलिए मैं इसको एक्स मान लेता हूं, ठीक है, और है एंगल सी एफ डी,
सी एफ डी, चलिए मैं इसको वाई मान लेता हूं। तो आपसे पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, यही पूछा है, ये आपको बताना है एक्स प्लस वाई क्या होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा आपको बताना है। चलिए कोशिश करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया है, ट्राई करिए क्या कर सकते हैं। ध्यान रहे ये 90 डिग्री नहीं है, दिस इज नॉट 90 डिग्री एंगल। ये 50 डिग्री है वाई, ये इसका और इसका सम बताना है। अच्छा आपका आंसर है वाई 50 डिग्री, वाई नहीं, वाई 40 डिग्री। अच्छा आंसर नहीं, ओनली वाई 40 डिग्री तो नहीं, ओनली वाई 40 डिग्री नहीं है। सोचिए हम क्या कर सकते हैं, ये पता चल जाए पूरा आंसर आ जाएगा, यही तो नहीं पता चल रहा है ना। सोचिए सोचिए, ये 90 है तो 90 ये भी होगा। इस ट्रेंगल ए डी ए डी में देखिए, ये एंगल पता है ये 90 है, इस एंगल को हमने एक्स मान लिया, चलिए इसको भी कुछ मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं जेड, ठीक है। और ये 90 है, ये 90 है, तो अगेन ये भी 90 होगा, होगा या नहीं होगा ना, फिर सोचिए डी 90, हाँ वो भी बाहर वाला ना, बाहर वाला भी होगा, सॉल्व करिए। समझ में आ रहा है ये बताया जाए, हाँ थोड़ी देर और ट्राई कर लीजिए, 1-2 मिनट। देखिए जो कंसेप्ट आपको बता दिया गया ना, उसी कंसेप्ट का यूज करके उसी का एप्लीकेशन है ये। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ट्रेंगल एईडी आपको दिख रहा है, तीनों एंगल का सम 180 होगा, साथ में ट्रेंगल एबीएफ देखिए, ए एफ बी, ट्रेंगल ए एफ बी दिख रहा है, उसमें एक एंगल 50 है, एक एंगल को हमने वाई लिखा है, क्या जेड ट्रेंगल ए एफ बी का कोई एक्सटीरियर एंगल है क्या, जेड जो एंगल है वो ट्रेंगल ए एफ बी का कोई एक्सटीरियर एंगल है।
एफ बी ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल है जेड, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जेड को क्या लिख सकते हैं, 50 + y। अगेन जेड किसी और ट्रेंगल का इंटीरियर एंगल भी है, तो वहां से जेड को क्या लिख सकते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होगा ना। अब ट्राई करिए, एक बार ट्रेंगल ए ई डी में सम ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो अप्लाई करिए किसमें, ट्रेंगल ए ई डी में। लिखिए ट्रेंगल ए ई डी में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, तो क्या होगा, जेड प्लस एक्स प्लस 90। हाँ, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। फिर और हमने अभी बताया जेड की वैल्यू और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, जेड तो चाहिए नहीं, तो जेड को हटाना पड़ेगा, आ जाएगा ना। ट्राई करिए, आप ट्राई करिए, ट्राई करिए, आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है ये। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ क्या हुआ, क्या चीज, एक्स प्लस वाई 40 डिग्री है, एक्स प्लस वाई 40 डिग्री है। चलिए एक बार ध्यान देंगे, इन ट्रेंगल हमें एक्स चाहिए, तो ये वाला ट्रेंगल लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं, हमें वाई भी चाहिए, तो वाई के लिए ये वाला भी, ये वाई किस 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 ट्रेंगल का एंगल है, तो छोटे वाले में है, ऊपर से इस बड़े वाले ट्रेंगल का भी एक एंगल है वाई, है या नहीं। तो हमें ऐसा ऐसा ट्रेंगल कंसीडर करना है जिसमें एक्स भी आ जाए और वाई भी आ जाए अलग अलग। तो एक बार ट्रेंगल ए ई डी में देखिए, इन ट्रेंगल ए ई डी, उसमें क्या x प्लस जेड प्लस 90 180 के बराबर होगा, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल। तो यहां से यदि मैं बात करूं x प्लस जेड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 90 डिग्री के, आएगी या नहीं, हमें x चाहिए लेकिन प्लस में y चाहिए, प्लस में z नहीं चाहिए, इसका मतलब जेड को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। अगेन आप देखिए इन ट्रेंगल ए एफ बी, इस ट्रेंगल को यदि आप ध्यान से एक बार देखेंगे, तो आपको यदि मैं कहूं आपसे कि ई ए एफ एंगल, ई ए एफ क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल होगा क्या इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल ए एफ बी के लिए एंगल ई ए एफ, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, होगा या नहीं। तो क्या मैं यहां से एंगल जेड को 50 + y लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हमें क्या करना है, जेड को हटाना है और किसको लेके आना है, वाई को। अब यहां पर देखिए पहला और ये दूसरा क्या करे, जेड कैसे हटेगा, जब यहां पर जेड की वैल्यू ला करके रख दें, ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखे हैं, फर्स्ट में, तो वहां पर क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 90, और जैसे ही z की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे क्या, 50 + y, तो किसके बराबर आ गया ये, 90 के, और यहां से क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 90, और यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री, और x क्या था, y क्या था, x था एंगल ए ई डी, क्या था ये,
एंगल ए ई डी, हाँ, प्लस वाई क्या था, एंगल सी एफ डी, सी एफ डी, एंगल सी एफ डी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। यही क्या है, आंसर है। क्या है ये आंसर, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने दो प्रॉपर्टी यूज की, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया अथर्व? यस सर। नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बताएंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। सर नोट हो गया। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैं ये रफ कर दूं फोटो, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उन्हीं कंसेप्ट्स का हम यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। In the adjoining figure, A 60 degree, C 50 degree, angle BDG 30 degree, angle GEF 20 degree, then find the value of EG upon FG। ठीक है, ये क्वेश्चन है, या इसी क्वेश्चन को और क्या पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को और क्या पूछा जा सकता है, इसी को प्रूव दैट ईजी इज इक्वल टू एफ जी। ठीक है, मतलब ये यदि पूछ दिया गया इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर वन, क्योंकि दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो आपसे क्वेश्चन में ईजी अपॉन एफजी भी पूछा जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन देने के बाद सीधे बोल दिया जाएगा कि प्रूव करिए कि ईजी किसके बराबर है, एफजी के, या फिर और क्या पूछा जा सकता है इसी में, या फिर ये प्रूव करिए, प्रूव दैट ट्रायंगल ईजीएफ इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, तीनों में से कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, टारगेट वही है, एक ही काम करना है इसमें। डायग्राम मैं बना देता हूं। ठीक है, चलिए ये 50 डिग्री मेंशन है, ये 60 डिग्री मेंशन है, ये 20 डिग्री मेंशन है,
और ये 30 डिग्री मेंशन है। चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सी डी, हाँ ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। सर हाँ सर एंगल एफ 20 डिग्री आ गई। एंगल एफ 20 डिग्री, हाँ 20 डिग्री ही आएगा एंगल एफ। एंगल जी 140 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल। इससे ये प्रूव होता है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। हाँ प्रूव हो जाता है ना इससे, बिल्कुल। चलिए सभी का आ गया। चलिए देखेंगे यहां पर, फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए। हाँ बिल्कुल, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे तो ए दिया है 60, ए दिया है 50, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया, ठीक है। एंगल ए दिया है 60 डिग्री, एंगल बी दिया है 50 डिग्री, एंगल सी यहां से क्या आ जाएगा, एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल सी कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। चलिए तो ये आ गया सर एंगल बी, सी नहीं एंगल बी, ठीक है एंगल बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सी दिया हुआ है 50, तो एंगल बी क्या आ गया, एंगल बी आ गया 70 डिग्री, तो ये आ गया 70 डिग्री। अगेन ये आपको पता है ये लीनियर पेयर यहां पर बनेगा, बनेगा या नहीं, हाँ लीनियर पेयर बनेगा। अगेन यदि मैं यहां पर मार्क करूं, यहां पर इसको यदि मैं एक्स बोल दूं तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू क्या बनेगा 180। किस वजह से, तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। चलिए तो इसको मैं 110 लिख देता हूं यहां से हटा के, किसके बराबर आ गया ये 110 के बराबर, 110 के बराबर। अब अगेन इस ट्रेंगल में देखिए, अगेन इस ट्रेंगल में, कौन से ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल बी डी जी, इस ट्रेंगल में भी क्या होगा 30 डिग्री प्लस 110 प्लस एंगल जी कितना आएगा 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन यहां से लगेगा, तो एंगल जी किसके बराबर आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये यदि 40 डिग्री हो गया तो अगेन यहां पर लीनियर पेयर, अगेन लीनियर पेयर है ना, तो लीनियर पेयर से क्या आ जाएगा, एंगल
ई जी एफ क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 48 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल, ई जी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 140 डिग्री। जैसे ही ये 140 डिग्री आया, 140 डिग्री, अगेन ट्रेंगल ई जी एफ में, अगेन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ई जी एफ, हम क्या लिख देंगे? एंगल एफ इज इक्वल टू 20 डिग्री। बिल्कुल, 20 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 डिग्री। और जैसे ही एंगल एफ 20 डिग्री आ गया, तो इस ट्रेंगल में ये एंगल 20, ये भी एंगल 20, तो क्या होगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? तो इन ट्रेंगल इसमें हम क्या कर लेंगे, एंगल ई किसके बराबर है? एंगल एफ के, दोनों 20 डिग्री। सो ट्रेंगल ई जी एफ क्या होगा? इज एन आइसोसेलस, ठीक है, इज एन आइसोसेलस ट्रेंगल। यहां से क्या हो जाता है? प्रूव हो जाता है, या फिर आपको पता है, यदि ये एंगल इक्वल हो गया, यदि ये एंगल इक्वल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां से ईजी किसके बराबर हो गया? एफ जी के, किसके बराबर हो गया? एफ जी। साइड की यदि हम बात करें, तो यहां से ईजी अपॉन एफ जी क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया? 1, ठीक है। तो या तो ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ये प्रूफ भी कर सकते हैं और चलिए नोट हो गया, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है? नोट हो गया अथर्व? यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठा जाए। यस, चलिए क्वेश्चन नोट करिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD, ABCD is a quadrilateral, आगे दिया है।
the bisectors of angle B and the exterior angle at D meet at P. Given angle C is equal to 80 degree, angle ADC is equal to half of angle A, and angle A is equal to angle C plus 40 degree. Then find angle DPB. डायग्राम है, बना देता हूं डायग्राम में. पॉइंट बी है, ये ए है, ये डी है, ये पी है, ये सी है. ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है. बताइए, आंसर बताइए क्या आएगा. डायग्राम आपके सामने बना दिया गया है. सब कुछ दिया हुआ है, जितना डाटा आपको जरूरी है इसके लिए. एबीसीडी बोला गया है, एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चार साइड वाला पॉलीगन है, बना हुआ है. बाइसेक्टर्स, एंगल बी का जो बाइसेक्टर है यानी बीपी, बीपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है. और जो एक्सटीरियर एंगल है पॉइंट डी पर, पॉइंट डी पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला तो इंटीरियर एंगल हो गया. कौन सा? ये तो पॉइंट डी का इंटीरियर एंगल है, लेकिन पॉइंट डी का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये पूरा. इसका बाइसेक्टर मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन डीपी, तो एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट डी उसकी बाइसेक्टर लाइन डीपी, और इंटीरियर एंगल एट बी उसकी बाइसेक्टर लाइन बीपी. ये दोनों ने कहां मीट किया? पी पर, ठीक है. और साथ में जो डाटा गिवन है क्या है? एंगल सी कितना है? 80 डिग्री. कितना है? 80 डिग्री है, ऐसा दिया हुआ है. ये 80 है. और क्या दिया है? जो भी डाटा गिवन है उसके हिसाब से आप यूज करिए, आंसर आ जाएगा. ट्राई करिए. सेवेंटी फाइव डिग्री? नहीं, कुछ तो गड़बड़ आया है. वापस से चेक करिए. 75 डिग्री आंसर नहीं है. आंसर 75 नहीं है.
सर 30 डिग्री? नहीं, डी पी बी बताना है, डी पी बी एंगल, डी पी बी सर 45 डिग्री? नहीं, 45 भी नहीं है। सर 20 डिग्री? नहीं, 70 डिग्री है। हाँ, एंगल A 120 डिग्री है, बिल्कुल। सर 70 है क्या? हाँ, 70 है। कैसे आया? सर वो क्वाड्रिलेटर के सम की ना, तो देखिए एंगल डी आया 120 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का सम किए तो क्या आया एंगल? ए डी इज इक्वल टू 120। एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल डी 120 डिग्री? एंगल डी 120 डिग्री किधर से आया? सर चलिए, यहां पर क्या दिया है, ये 80 डिग्री दिया है, और इस एंगल सी में जब 40 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एंगल ए क्या है, एंगल सी यानी 80 प्लस 40 कितना आया? 120 डिग्री। कौन? एंगल ए। एंगल ए क्या आ गया? 120 डिग्री, यानी कि ये एंगल क्या आ गया? 120 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है, एंगल ए डी सी, हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए डी सी ये वाला एंगल कितना है? ए का हाफ है, और ये कितना आ गया? 120। ये कितना है? 120। तो एंगल ए डी सी कितना आ गया? हाफ ऑफ एंगल ए ये दिया है, तो हाफ ऑफ इनटू 120, तो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया क्या? ठीक है। अब ए ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल में 360 में से इसको माइनस करिए, 60 माइनस होगा तो 300 बनेगा, ये भी कितना बन जाएगा? 200। 200 और माइनस होगा तो क्या बचेगा? 100। 100 बचेगा ना, तो ये पूरा एंगल कितना आएगा? 100। उसकी ये क्या लाइन है? बाइसेक्टर, यानी कि ये आधा और ये भी आधा, तो 100 का ये क्या हो जाएगा? 50 50। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, क्या ये 50 और 80 130 हुआ, और ये टोटल 180 होगा, तो 130 में से क्या घटाना है, सॉरी 180 में से 130, तो ये कितना बनेगा? 50, क्योंकि ये ट्रेंगल है ना, कौन सा? ये तो ये 50, ये 50, 100 और ये 80, 180। हाँ बिल्कुल, और ये भी कितना आ गया? 50। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो गया? 50 डिग्री। फिर कैसे आया, और कैसे? सर वहाँ पे वो एंगल डी बाइसेक्ट हो रहा है टू टाइम्स, तो लीनियर बिल में से माइनस करेंगे। कौन सा 180 डिग्री? ये और ये 60 प्लस 2x, बिल्कुल। ये वाला x यदि मान लेते हैं तो ये भी x, ये लाइन है, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये टोटल 180 बनेगा, तो 60 प्लस 2x की वैल्यू क्या बनेगा? 180, या फिर ये कितना आ जाएगा? 120। 120 में से ये कितना बनेगा? 60, और ये भी कितना बनेगा?
60, बस सारे एंगल आ गए, ये 60, ये 50, तो ये कितना आएगा? 70 डिग्री. तो आंसर क्या होगा? 70 डिग्री. समझ में आ गया? ये क्लियर है या कोई डाउट है? हो जाएगा ना? चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से. सोल्यूशन तो लिखना है, आप लिख लेंगे सोल्यूशन इसका? जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हो जाएगा ना? चलिए एक और क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं. इन ट्रेंगल एबीसी आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, ये सभी एंगल्स हैं, इनका सम क्या होगा? मैं ट्रेंगल बनाता हूं, आप भी जल्दी से बनाएंगे ट्रेंगल. ए बी सी पी क्यू, ये तो मेंशन ही नहीं है. ये एंगल आई है, ये एंगल बी है, ये एंगल ई है, ये डी, ये जी, ये एंगल एफ, ये एंगल सी और ये एंगल एच, ये एंगल ए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ठीक है, बस इतना दिया है, सभी का सम बताना है. सोचिए कैसे करेंगे इसको. सर 540 डिग्री. 540 डिग्री, बिल्कुल 540 डिग्री. हाँ हाँ बिल्कुल 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 आ जाएगा ना. एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है. ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि इस ट्रेंगल को लेते हैं, इस वाले ट्रेंगल को, तो ये ट्रेंगल बन रहा है. ट्रेंगल्स बन रहे हैं. हाँ, तो इन तीनों में क्या आ गया? ए प्लस जी प्लस एफ, क्या होता है? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. अगेन इस ट्रेंगल को देखिए. हाँ बिल्कुल, तो इस ट्रेंगल में क्या आ रहा है? बी प्लस आई प्लस सी, ये भी क्या होगा? 180 डिग्री. सिमिलरली आप क्या करेंगे, इस ट्रेंगल को देखिए, ये बीच वाला जो ट्रेंगल है, इसमें क्या क्या आ रहा है? डी ई और एच, डी ई और एच, ये किसके बराबर होगा? ये भी 180. तीनों को जोड़ दीजिए सबको, तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, कितना हो जाएगा ये? 3 × 180, कितना बनेगा? 540 डिग्री. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यहाँ यूज है. चलिए ये डायग्राम हटा दूं इधर वाला, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जल्दी से. In the adjoining figure, L1 and L2 are parallel lines. T is a transversal which cuts L1 and L2 at A, B respectively. क्वेश्चन नोट करिए साथ में ही जल्दी. The angles at A, B are
ट्राइसेक्टेड, आर ट्राइसेक्टेड, ठीक है। तो आपको बताना है एंगल ए सी बी कितना होगा एंड एंगल ए डी बी कितना होगा, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूं, ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2, दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, एक लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन T, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये लाइन यहां पर कट करती है A पॉइंट पर और यहां कट करती है पॉइंट B पर, ठीक है। उसके बाद जो A पर एंगल बना है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है, इस तरह से कुछ है, ये C है ये D है, ठीक, बस इतना ही दिया हुआ है, यही गिवेन है। तो आपको बताना क्या है ए सी बी, ए सी बी क्या बताना है, ए सी बी ये बताना है, ठीक है। चलिए मैं इसको मान लेता हूं कि ये A है, और ये बताना है ए डी बी, इसको मैं मान लेता हूं कि B है। तो आपको क्या बताना है, A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। और साथ में दिया क्या है, ये तीनों एंगल इक्वल हैं। चलिए इसको मैं मान लेता हूं x x, तो ये भी क्या होगा x होगा, ये भी ट्राइसेक्ट हो रहा है ना, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, तीनों इक्वल। चलिए मैं इसको मान लेता हूं y y और ये भी y, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए दो मिनट और लेंगे आपका इस क्वेश्चन में, और सोचिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्यों, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है कौन सा, ए डी बी, ठीक, इसको इसको मैं दूसरे कलर से मेंशन कर दे रहा हूं, ए बी, ठीक है, हाँ, बी एक्स प्लस थ्री वाई, कैसे। चलिए ये पैरेलल है, ठीक, ये पैरेलल है ना, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये होंगे या नहीं होंगे, ये कितना है 3x, तो ये भी क्या होगा 3x, यहां पर लीनियर पेयर बन रहा है, तो यहां पर इन सभी का सम कितना हो जाएगा 180, तो क्या है 3y plus 3x is equal to क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्लियर है। तो यहां पर x plus y की वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यही बनेगा, क्या बनेगा या नहीं। अब देखिए इन ट्रेंगल ए डी बी, इन ट्रेंगल ए डी बी तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो x प्लस बी प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई प्लस बी कितना है 180 डिग्री है या नहीं। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 180 डिग्री, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गया 120 डिग्री। अगेन आप किसमें देखेंगे, एंगल ए सी बी में, इन ट्रेंगल ए सी बी, अगेन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो x प्लस x 2x प्लस a प्लस y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री है, हाँ एंगल एंगल a, हाँ बिल्कुल 60 डिग्री है, 2 कॉमन ले लीजिए x प्लस y प्लस में a इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 60 प्लस में क्या है a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 प्लस a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 180 के बराबर आ गई, तो a की वैल्यू कितनी बन गई 60 डिग्री, ठीक है। तो ये a क्या है, ये है एंगल ए सी बी, और b क्या है एंगल ए डी बी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन, सब कुछ समझ में आ गया ऑनलाइन, यस सर, कोई डाउट तो नहीं है, नो नो। तो ज्योमेट्री कोशिश की गई है कि पूरी तरह से आपको करा दी जाए, मतलब जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे हर कंसेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है। तो ज्योमेट्री की क्लास आज तक ही थी, टोटल 6 क्लास हुई ज्योमेट्री की, हमने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो अच्छा लगा पढ़ के, मजा आया, कोई डाउट तो नहीं हुआ, ठीक है। चलिए फिर आप नोट कर लीजिए, तो आज ज्योमेट्री की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए और पढ़ाई करते रहिए।
नोट हो जाए तो आप बता देना, मैं एंड कर दूंगा सेशन, है ना? जो भी मॉड्यूल है, डीपीपी है, सारे क्वेश्चन आप बना लेना, है ना? नोट कर लिए ऑनलाइन? चलिए मैं एंड करता हूं फिर।